रेनी सीजन, इट इज़ अ मर्डी सीजन और इट इज़ अ क्रेजी सीजन. हाई, वेलकम ऑल ऑफ यू. एज यू आर नोइंग, आई एम डॉक्टर आदिति फ्रॉम मणिपाल हॉस्पिटल. आई एम टेकिंग केयर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स डिपार्टमेंट एंड आई वॉन्टेड टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस रेनी सीजन. देखने से तो बहुत अच्छा लगता है, इन्जॉय भी करते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी परेशानियाँ भी हो जाती हैं. रीज़न बिहाइंड दैट कि ये सीज़न सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन बॉर्न होने का और इन्फेक्शन कैच करने का सीज़न होता है. इसके पीछे रीज़न क्या है कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है एंड इमीडिएटली वी गेट इन्फेक्शन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. इट कैन बी फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस और इट कैन बी सो मेनी सोर्सेज. सो हाउ टू प्रिवेंट इट? As a dietitian, I would suggest you, if you would be incorporating good amount of omega 3 fatty acids, different kind ke vitamins, jaise ke vitamin A, B, C, D, E, K, is tarah ke vitamins jinki bahut sari sources hain, jaise ke vitamin C, bahut sare khatte phal jaise amla hai, jaise neembu hai, jaise santra hai, aisi cheezon mein aapko bahut achhi matra mein mil jata hai. Vitamin A jitne bhi colorful fruits aur vegetables hote hain un cheezon mein bahut acche se milta hai. Iske alawa aap doodh se bani cheeze jaise dahi aap probiotic ki tarah agar istemal karte hain to aapki gut, आपकी इंटेस्टाइन के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. इसके अलावा अगर आप ई के की बात करते हैं तो बहुत सारे ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टिंग भी करते हैं. तो इस तरह से बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के अगर आप अपनी डाइट में बहुत अच्छे से लेते हैं इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल, कर्ड, अगर आप बहुत अच्छी मात्रा में लेते हैं तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं. मैं आपको एक ही राय देना चाहती हूँ कि अगर आप इस रेनी सीजन से फाइट करना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना चाहते हैं, तो आपको बहुत छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, जैसे कि कटे हुए फल और सब्जियों का इस्तेमाल ना करें. अगर आपको करना है तो इंस्टेंटली आपने इस काटा और उसको खा लिया, बट डोंट कीप इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड. इसके अलावा आप ध्यान रखें कि आप अपने खाने में अगर प्रोबायोटिक, जो आपकी स्टेमिना, आपकी गट के लिए बहुत हेल्पफुल है, उसको अगर आप अपने रूटीन में कम से कम 2 से 3 बार इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा. इसके अलावा बजाय कि अगर हम ये सोचें कि हमें कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल जो कि नॉन सीजनल है, सर्दियों में मिलते हैं और अभी हमें खाने का मन है, डोंट गो फॉर दिस. Always go for the seasonal and local fruits and vegetables available. So I would not suggest you to go for eating any green leafy vegetable during this period. और आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आप ready to eat food या street food या हमारे different type के जो junk foods होते हैं उसे जितना ज़्यादा बच सके उतना ज़्यादा आपकी health के लिए इस season में आपको फ़ायदा करेगा. और आपको ध्यान रखना है कि तली भुनी बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ों से आपको बचना है. अगर आप इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज, चेरीज या फिर आपके प्लम्स हैं या फिर फालसा है या फिर आपके मौसमी हैं, डिफरेंट तरह के फ्रूट्स हैं, कलरफुल फ्रूट्स हैं, अगर अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो आपको एंटी ऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं. और अगर आप थोड़ा सा सूदिंग इफ़ेक्ट के लिए अगर आप प्रोसेस्ड बेवरेजेस लेते हैं या कैंड बेवरेजेस लेते हैं तो उसको आप जैसे कोकोनट वाटर, लेमन वाटर और या फिर आप वे वाटर, छाछ, लस्सी, नारियल पानी, इन चीज़ों से रिप्लेस करते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है, यानी कि आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं रहती है. तो इन छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे सो डेफिनेटली रेनी सीजन विल बी अ फनी सीज़न फॉर यू. स्टे हेल्दी.